व्यूअर्स, ये देख सकते हैं ये मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है। तो एंड्रॉयड फ़ोन कितना बोरिंग लगता है, अगर आपको एंड्रॉयड फ़ोन को iOS में कन्वर्ट किया जाए तो कैसा होगा। तो ये देख सकते हैं मैंने अपने जो बोरिंग एंड्रॉयड फ़ोन था उसको मैंने iOS में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल इसकी जो सेटिंग है वो iOS वाली आ गई है इसमें। तो ये देख तमाम आईफोन वाले फंक्शन आ गए हैं। वेलकम बैक इन अदर वीडियोज़। तो एक नई वीडियो के साथ आपका वेब के साथ हाजिर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़। तो यहाँ पर सेटिंग में सबसे पहले आपको यहाँ पर नज़र आएगा सेट डिफ़ॉल्ट में आपने सेट डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर लॉन्चर आपने सेलेक्ट करना है। पहले आपका लॉन्चर वन UI होम वाला होगा, तो आपने iOS लॉन्चर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही iOS लॉन्चर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका टोटल जो फ़ोन है वो iOS में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं मेरा जो फ़ोन है वो टोटल iOS में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ से देख सकते हैं इसमें एसोसिएट टच बटन और कंट्रोल जो सेंटर है वो भी iOS वाला कन्वर्ट हो गया है। तो ये तमाम सेटिंग कैसे करेंगे आपको वो भी बताता हूँ। तो iOS में चलते हैं, उसके बाद आपको नीचे नज़र आएगा असिस्टेंट टच, मतलब जो ये टच बटन नहीं है, ये साइड वाला जो आईफोन वाला है ये इसकी सेटिंग आएगी। इसके बाद आप लेआउट आएगा सबसे पहले इसका, तो लेआउट में आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जो चीज़ अपनी मर्ज़ी से ऐड करना चाहें। तो यहाँ पर आप वाईफाई ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर वाईफाई आ गई। तो बैक आने के बाद आप इनके कलर में आ जाएंगे। कलर कम्बिनेशन में आप जो आपका कलर होगा वो आपने यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से जो कलर कम्बिनेशन बनाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आइकन आ जाएगा। आइकन मतलब जो ये सिस्टम टच है उसका जो आइकन आएगा, गोल अगर रखना चाहते हैं या स्क्वायर रखना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो आप मर्ज़ी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो ये हो गया, इसकी सेटिंग आ गई। तो इसके बाद आपने बैक आ जाना है। तो यहाँ पर हम बैक आ गए तो इसको हम एग्ज़िट कर देते हैं। इसके बाद आएगा कंट्रोल सेंटर, तो मैं कंट्रोल सेंटर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो कंट्रोल सेंटर के ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको आएगा कस्टमाइज़ कंट्रोल। इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मतलब आपके जो ये वाला फंक्शन है इसमें कौन कौन से, ये जो नीचे ऑप्शन है कौन कौन से ऑप्शन आपके होने चाहिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले फंक्शन है जो इसमें आपकी जगह इसमें कौन कौन से फंक्शन होने चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊँगा कि इसमें कौन कौन से फंक्शन होने चाहिए। तो पर जो मर्ज़ी आप एप्लीकेशन ऐड करना चाहते हैं, क्रोम करना चाहते हैं, कैप कट करना चाहते हैं, जो अपनी मर्ज़ी से क्या करना चाहते हैं वो यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैप कट भी आ गई, क्रोम भी यहाँ पर आ गया, कंट्रोल सेंटर में ही आपका आ गया है। तो उसके बाद नीचे आएगा मर्जी से जो थीम ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद आएगा यहाँ डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप में आप जो मर्ज़ी जिस तरह की आप 4x6 करना चाहते हैं या 6x7 करना चाहते हैं रो एंड कॉलम वो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर हाइड नेविगेशन बार, यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद हम बैक आ जाते हैं। तो बैक आने के बाद यहाँ पर ऐप लाइब्रेरी है, तो यहाँ पर जो मर्ज़ी आप ऐड करना चाहें वो ऐप लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आएगा है विजेट, जहाँ से आप विजेट में जो मर्ज़ी अपना ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद आएगा हाइड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को हाइड करके रख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन को अगर आप हाइड करना चाहें तो हाइड के एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन हाइड हो जाएगी। तो इस तरह आप अपनी एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते हैं। बैच में यहाँ पर आपको ऊपर नोटिफिकेशन आ जाए लॉन्चर का, तो वो रहने दें, हम लॉन्चर नहीं यहाँ पर ऊपर नोटिफिकेशन बार में नहीं रखना चाहते। इसमें नोटिफिकेशन है वो जो है टोटल वो iOS वाला कन्वर्ट है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जाना है यहाँ पर आ जाना है सर्च में। सर्च में आपने यहाँ पर सर्च करना है प्ले स्टोर, तो इसका अपना जो सर्च ऐप स्टोर होगा तो वही प्ले स्टोर ही होगा। तो आपने यहाँ पर आ जाना है सेटिंग में, यहाँ पर आपने सर्च करना है iOS 18 को आपने सर्च कर लेना है, लॉन्चर iOS 18, तो इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसके मैं आपको डाउनलोड भी दिखा देता हूँ। 10 मिलियन से ज़्यादा इसके डाउनलोड हैं, 4.5 की इसकी रेटिंग है। ये लॉन्चर को आप डाउनलोड करके अपने जो बोरिंग से एंड्रॉयड फ़ोन को जो है आईफोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव या मज़े की लगी होगी। वीडियो इंफॉर्मेटिव या मज़े की लगी हो तो हमारे चैनल टेक्निकल लिबरल डिजाइन को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।